आज मैं आपके लिए वर्मसली यानी के सेवई की बहुत ही टेस्टी रेसिपी लेकर आई हूँ। ये रेसिपी यूट्यूब पर आपको पहली बार देखने को मिलेगी। सुबह का नाश्ता हो या शाम का नाश्ता, इसे आप 5 मिनट में फटाफट से बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसे आप बच्चों को टिफ़िन में रखकर दे सकते हैं या फिर सफ़र में भी लेकर जा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका बनाने का तरीका। यहाँ पर मैंने आधा कप वर्मसली यानी कि सेवई ले ली है। ये भुनी वाली सेवैयाँ थी इसलिए मैंने इसे भुना नहीं है, और इसमें हमने थोड़ा सा गर्म पानी डाल देना है। बस थोड़ा सा डालेंगे कि ये भीग जाए इसमें, बस इतना ही पानी हमें इसमें डालना है। और इसे हम रख देंगे इस तरह से 1 से 2 मिनट के लिए रख देना है बस, कि थोड़ी सी ये फूल जाएगी। अब इसमें हम ऐड करेंगे आधा कप आटा। तो यहाँ पर आधी कप सेवई थी और आधा कप आटा, और आधा कप ही हमने यहाँ पर पाउडर शुगर लेना है। शक्कर को पीस कर और फिर उसे आधा कप ले लेना है। और इसमें हम डालेंगे इसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए 2 चम्मच डेसिकेटेड कोकोनट। तो ये ऑप्शनल है, लेकिन आप इसे डालेंगे ना तो बहुत ज़्यादा टेस्ट आएगा इसमें। तो यहाँ पर मैंने इसमें 2 चम्मच डेसिकेटेड कोकोनट डाल दिया है, और 2 चम्मच ही यहाँ पर मिल्क पाउडर डाल देना है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये इसके टेस्ट को बहुत ज़्यादा बढ़ाएंगी। और थोड़ा सा यहाँ पर मैंने बादाम को चॉप करके डाल दिया है, बारीक बारीक चॉप करके। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो फ्रेंड्स, ये रेसिपी जो हमने बनाई है तो सेवई और आटे से हमने बनाई है, तो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी है, सारी हेल्दी चीज़ें इसमें है। तो आप ये रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अब यहाँ पर इसे मैंने यहाँ पर आधा कप ही दूध ले लिया है। दूध को नॉर्मल टेम्परेचर का लेना है हमें, और इसे धीरे धीरे मिक्स करना है। पहले मैंने इसमें थोड़ा सा दूध ऐड किया है और इसे मिक्स कर लिया है मैंने, और फिर इसमें थोड़ा सा दूध और डालेंगे। तो इसमें आधा कप दूध पूरा जाएगा, लेकिन इसे हमने थोड़ा थोड़ा सा करके मिलाना है ग्रेजुअली। और इस तरह से देखिए, अभी इसमें जो बचा हुआ दूध है वो भी मैं इसमें डाल दूँगी। तो हमें इस तरह की कंसिस्टेंसी चाहिए कि जब हम इसे पैन में डालें तो ये आसानी से फ्लैट हो जाए। तो ये देखिए, इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह की होनी चाहिए, जिस तरह से हम पैनकेक बनाते हैं, बस बिल्कुल उसी तरह की। अब इसमें मैंने इसमें 2 ड्रॉप येलो फूड कलर डाल दिया है अच्छे कलर के लिए। तो ये भी ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे बिना कलर के भी बना सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर पैन में तेल को गर्म कर लिया है, तो आप देख सकते हैं इसे हमने शैलो फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं लेना है। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच के नाप से इसे डाल दिया है, और एक ही नाप का हम बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो इसी तरह की कोई किसी लेडल या चम्मच के नाप से आपने इस तरह से डाल देना है, और एक बार में जितने आएंगे पैन में बस उतने ही डालेंगे हम, कि इसे पलटने में दुश्वारी ना हो। और हाई फ्लेम पर हमें इसी तरह से इसे सेकने देना है, इसे बिल्कुल टच नहीं करना है। जब ये खुद बखुद इस तरह से छूट जाएंगे नीचे से, तो और नीचे का हिस्सा अच्छे से सेक जाएगा, तो ही इसे हम पलटेंगे, वरना बहुत ही चिपकते हैं नीचे ये। तो जब ये नीचे का हिस्सा अच्छे से सेक जाएगा तभी इसे पलट लेंगे। और ये देखिए, अच्छा सा गोल्डन कलर इसमें आया है, बहुत जल्दी से ये सेक जाते हैं, क्योंकि हमने इसे हाई फ्लेम पर बनाया है। इसे हाई फ्लेम पर ही बनाना है, बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी बनते हैं, इस तरह से आप ज़रूर बनाएं। तो जो इसमें वर्मसली का क्रंच वाला टेस्ट आता है, बहुत ही अमेजिंग होता है उसका टेस्ट। इसे उलट पलट कर चेक कर लेंगे, जब दोनों तरफ से अच्छे से गोल्डन कलर आ जाएगा तो इसे हमने निकाल लेना है। और ये देखिए, बहुत ही अच्छा बढ़िया सा कलर इसमें आ चुका है, तो इसे निकाल लेंगे। और आप इसे चाहे तो टिश्यू पेपर में रख लें, क्योंकि जो इसका एक्सेस ऑयल है इसमें एब्जॉर्ब हो जाए। इसे निकाल लेंगे, और इसी तरीके से हमने दूसरे वाले भी जो है बचे हुए फ्राई कर लेने हैं। तो ये देखिए, मैंने इसे 3 बैचेस में फ्राई किया है, और आप देख सकते हैं बहुत ही क्रिस्पी और जालीदार हमारे जो नाश्ता बनकर तैयार हुआ है। और आपने देखा कि हमने किस तरह से 5 मिनट में फटाफट से इसे घोला और बना लिया, तो बहुत ही जल्दी भी बन जाता है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। इसे आप बच्चों को टिफ़िन में बना कर दें, या फिर अगर आप किसी सफ़र में जा रहे हैं तो सफ़र में इसे बना कर ले जाएं। जब हम इसे खाएंगे ना तो बहुत ही अच्छा क्रंची सा इसमें टेस्ट आएगा सेवई का। तो फ्रेंड्स, अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों में। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें न्यू अपडेट्स के लिए। मिलती है एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम।